हालिया तहकीक में पाया गया है कि कॉफी या फिर चाय में इस्तेमाल की जाने वाली कैफीन जगाए रखने से ज्यादा फवायद फराहम कर सकती है। आइए जानते हैं कि नई तहकीक के मुताबिक कैफीन दिल की बीमारी फालिज टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम कर सकती है। एंडोक्राइन सोसाइटी के जनरल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रेनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में शाये होने वाली तहकीक में पता चला है कि कैफीन के मुतदिल मकदार का इस्तेमाल, जो कि दिन में 3 कप या इससे कम है, कार्डियो मेटाबोलिक मल्टी मेटाबोलिक के खतरे को कम कर सकता है। चीन के सोशो यूनिवर्सिटी में वबई अमराज और बायोसिस्टिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चाउफो ने कहा है कि कैफीन का इस्तेमाल सीएम के नशोनुमा के तमाम मराहल में साबित हो सकती है। अमराज के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज के मुताबिक कार्डियो मेटाबॉलिक मल्टी मोबिट की तारीफ 2 या 2 से ज्यादा कार्डियो के अवारिस जैसे दिल की कॉर्नरी बीमारी टाइप 2 डायबिटीज और फालिज के तौर पर की गई है।